नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किए जाने की किसी भी संभावना से साफ तौर पर इनकार किया। केंद्रीय वन मंत्री अश्विनी चौबे ने कॉर्बेट की विजिटर बुक में पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क लिखा और कहा कि इसका नाम रामगंगा पार्क होना चाहिए। लेकिन अब वन मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से कहा है कि कॉर्बेट पार्क इंटरनेशनल धरोहर है। राज्य और केंद्र के स्तर पर ऐसा न कोई प्रस्ताव है, न ऐसी कोई चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि कॉर्बेट पार्क का नाम बदलना ठीक नहीं है, ये सार्थक भी नहीं है। दरअसल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नेशनल कॉर्बेट पार्क का नाम क्योंकि केवल कुमाऊं का नहीं है, केवल उत्तराखंड का नहीं है, वो हिंदुस्तान का नहीं है, एक इंटरनेशनल धरोहर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको बदला जाना ये कोई मैं सोचता हूँ कोई सार्थकता नहीं है इसकी। असल में केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने 3 अक्टूबर को कॉर्बेट पार्क का दौरा किया था और यहां मंत्री अश्विनी चौबे ने कॉर्बेट के अधिकारियों से कहा कि पार्क का नाम रामगंगा पार्क होना चाहिए। अश्विनी चौबे ने कहा कि पार्क का नाम बदला जाना चाहिए। यही नहीं, इसके बाद जब अश्विनी चौबे ने विजिटर बुक में कॉमेंट लिखे तो वहां भी रामगंगा नेशनल पार्क ही लिखा और इसके बाद ये कयास लगने लगे कि पार्क का नाम बदलने को लेकर चर्चा हो रही है। रामगंगा नेशनल पार्क जो इसका पुराना नाम था, वापस से इसका नाम कॉर्बेट का नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क के बेसिस पे रामगंगा टाइगर रिजर्व किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी जो भी उच्च स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे इस संबंध में, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब बात पीएम मोदी के कल होने वाले उत्तराखंड दौरे की करते हैं। तो पीएम मोदी कल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी जो है ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे, ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी बने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर ऋषिकेश एम्स में तैयारियां हो रही हैं। उत्तराखंड में 7 अक्टूबर का दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश एम्स पहुंचकर यहां पर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वर्चुअल माध्यम से देश के जितने पीएम फंड से ऑक्सीजन प्लांट बने हैं उसका भी शुभारंभ करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने पीएम के दौरे को देखकर पूरी तैयारियां कर ली है। ऋषिकेश से आशीष डोवाल, न्यूज 18। तो प्रधानमंत्री मोदी कल ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और इससे पहले आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश का दौरा किया और सीएम धामी सभास्थल पर भी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्हें भी निर्देश दिए। तो प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी में उत्साह भी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड को लेकर विशेष लगाव है, उत्तराखंड दौरे से पार्टी को फायदा होगा। देखिए, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक 11 बजे एम्स में आ रहे हैं और एक बड़ी सौगात पूरे देश को वहाँ से देने वाले हैं कि जितने भी ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं पूरे देश में उनका वो कल विधिवत उद्घाटन करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हुआ होगा कि पूरे एक ही जगह से पूरे देश के लगभग 150-200 से ज़्यादा प्लांटों का एक जगह से उद्घाटन करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का एक जबरदस्त उत्साह प्रदेश में है, हमारे सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो चुनावी राज्य होने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं में जो एक अपार उत्साह का संचार होगा, हम अपने लक्ष्य की तरफ और तेजी के साथ बढ़ेंगे। देहरादून से खबर आ रही है, एक और विधायक की बीजेपी में एंट्री तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा 8 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल होंगे। राम सिंह कैड़ा दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल होंगे। न्यूज 18 ने पहले बता दिया था कि राम सिंह कैड़ा जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खनन कारोबारियों के लिए लाई गई वन टाइम सेटलमेंट योजना पर राजनीति गर्मा गई है। सरकार का मानना है कि इससे रिवेन्यू जनरेट होगा, राजकोष की माली हालत को मजबूती मिलेगी, लेकिन कांग्रेस इसे दाल में काला बता रही है।
उत्तराखंड में अवैध खनन, ट्रांसपोर्टेशन और अवैध रूप से स्टोरेज के 800 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। सालों से फैसला नहीं होने के चलते पेनल्टी वाला राजस्व भी अटका है। अब सरकार इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लेकर आई है। ऐसे में रॉयल्टी की 5 गुना की जगह पर 2 गुना धनराशि एकमुश्त जमा करने का विकल्प दिया गया है। कारोबारियों को साल में लगने वाला 24% ब्याज और कलेक्शन चार्ज भी नहीं देना होगा और सरकार को इससे राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार को राजस्व मिले। कोविड की स्थिति को देखते हुए आपने देखा कि यहाँ पर राजस्व के तमाम दरवाजे बंद हो रखे थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जबकि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तमाम वर्गों का नुकसान हुआ है, उनको जो पैकेजेस दिए गए, इससे सरकार की आर्थिक स्थिति पर कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ा था। अब कांग्रेस को सरकार की इस योजना में काला नजर आता है। कांग्रेस का साफ आरोप है कि खनन माफिया से सरकार का प्रेम पहले भी दिखता रहा है और खनन माफिया को दी जाने वाली छूट उसका ही एक हिस्सा है। खनन प्रेमी मुख्यमंत्री जी, मैंने ऐसे ही नहीं कहा। खनन के प्रति उनके अगाध प्रेम को देखते हुए मैंने ऐसा कहा कि खनन माफियाओं को जो छूट ये सरकार समय समय पर दे रही है उसकी ये एक किस्त है, और इसीलिए मैंने उन्हें एक नाम दिया कि ये खनन प्रेमी मुख्यमंत्री हैं। सूबे में खनन और सियासत का करीबी रिश्ता रहा है। सरकार किसी की भी हो, खनन कारोबारियों से नजदीकी के आरोप भी लगते रहे, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले वन टाइम सेटलमेंट की योजना ने राजनीति को फिर से गर्मा दिया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी की आग उत्तराखंड तक भी पहुंच रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता गुरुवार को सीतापुर कूच करने जा रहे हैं और इसके लिए उधम सिंह नगर के बाजपुर को चुना गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल समेत सभी पार्टी नेता बाजपुर पहुंचेंगे और बाजपुर से एक साथ सीतापुर रवाना होंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसी तरह की राजनीति से कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। ये हमारी नैतिकता हमें पुकार रही है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब कांग्रेस जन सीतापुर कूच कर रहे हैं और सरकार की हर उस कोशिश का हम विरोध करेंगे जो सरकार लोकतंत्र के खिलाफ कर रही है। केदारनाथ की अगर बात करें तो आज केदारनाथ में गर्भगृह को खोला गया। कोविड के बाद अब तक गर्भगृह में श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब गर्भगृह खोल दिया गया है। कल ही हाईकोर्ट ने चारधाम में यात्रियों की संख्या की शर्त हटा दी और अब केदारनाथ में गर्भगृह को भी यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, दर्शन करने बहुत आज मनोकामना पूर्ण हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो है एक धार्मिक यात्रा है श्रद्धालुओं के लिए। पूरा गर्भ मंदिर तक जाके भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए अवकाश प्राप्त किया है। इसके लिए बहुत श्रद्धालु, भगवान भोलेनाथ जी का जो भक्ति लोग था, श्रद्धालु था, वो आके भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन पा के मनोकामना पूर्ण करके बहुत खुशी होके। तो देखिए, ये दोहरी खुशखबरी से माना जाएगा। एक जो संख्या की शर्त थी वो हटाई गई, आपने देखा कि लोग परेशान थे और बहुत से लोग जो हैं उन्हें जानकारी भी नहीं थी। दूसरी, गर्भगृह जिसमें नो एंट्री थी उसे खोल दिया गया। तो जो भी भक्त अब केदारनाथ आएंगे उन्हें दोहरी खुशी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक बड़ी राहत और खुशखबरी। और माना जा रहा है कि इस छूट से जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो भी बढ़ेगी और फिर टूरिज्म जो है, या आप ये कहें कि यात्रियों के ज़रिए जो लोगों को आय होती है वहाँ पर आसपास जो दुकानदार होते हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी एक बड़ी राहत। चमोली में एवलॉन्च में फंसकर शहीद हुए नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती को आज सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी देहरादून से तो उनके आवास पर गए, परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बंधाई। सीएम ने अनंत कुकरेती के नाम से शहीद द्वार बनाने की घोषणा की। माउंट त्रिशूल की चढ़ाई के दौरान अनंत जो है वो हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। हम पूरे उनके परिजनों के साथ हैं, हमारी सरकार, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार के लोगों को जो एक
असीम दुख उनके ऊपर आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और सरकार हर तरीके से उनके साथ है और ऐसे जवान ऐसे शहीद हमारे देश के लिए समाज के लिए करते हैं वो सब हमारी स्मृति में रहें और आने वाली पीढ़ियों की स्मृति में हमेशा बने रहें। हम सरकार जो है उनकी स्मृति में यहाँ पर शहीद द्वार का निर्माण भी करवाएगी। पशुपालन विभाग में 15 करोड़ से ज्यादा के घोटाले पर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है पूरे मामले की जांच करें और अगर कोई खामी है तो कार्रवाई करें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो भी सरकार को रिपोर्ट दें। गौरी मौलेखी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि पशुपालन विभाग में चारा घोटाला हुआ है। हमारी दलीलों को माना और उन्होंने ये बोला है कि जो इंक्वायरी है ये एक स्पेसिफाइड पीरियड में इसका रिजल्ट आएगा, जिसके अगर ये इंक्वायरी गलत होती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये था देहरादून में आर्मी इंटेलिजेंस ने फर्जी सैन्य अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को सेना अधिकारी बता रहा था। उसके पास से कैंटीन कार्ड और सेना के जाली दस्तावेज जो है बरामद हुए हैं। आरोपी राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है। आर्मी इंटेलिजेंस ने आरोपी को प्रेमनगर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मामले की जाँच अब शुरू कर दी है। वर्दी के नाम पे पैसे नहीं लिए, वो सर पर्सनल मजबूरी, जैसे घर में कोई काम हो जाता है या मुझे कोई दिक्कत हो जाती है तो उस रिगार्डिंग मैंने पैसे लिए। देहरादून में सोचा सर कोई काम स्टार्टअप करूं या तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कोई क्लिनिक वगैरह या कोई अपना पर्सनल काम स्टार्टअप करूं। घर वालों को जनवरी में बताया था सर कि मैं भर्ती हो गया हूं और मैं ऑन ट्रेनिंग पे हूं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है फर्जी काम करता शख्स पकड़ा जाता है। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाएगा।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात क्योंकि वो करने वाले हैं। लखीमपुर हिंसा में 5 किसानों की मौत हुई, पीड़ित किसानों से मुलाकात करने पहुंचे राहुल प्रियंका के साथ दीपेंद्र हुड्डा, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो भी साथ में मौजूद है, बाकायदा उनका काफिला जो है निकला है। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है चरणजीत सिंह चन्नी, इसके साथ ही जो है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनको अनुमति मिली है और अब लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। आप फ्लीट देख सकते हैं, पुलिस की पूरा प्रशासन उनके साथ लगा हुआ है, बड़े बड़े अफसर देखिए, गाड़ी में एडीजी आगे बैठे हुए हैं, इसके साथ ही आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह मौजूद हैं, पूरी गाड़ियां फ्लीट चुकी, जेट सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं कि प्रियंका, राहुल एक के बाद एक भारी सिक्योरिटी में यहां से काफिला गुजर रहा है और सीधे पीड़ित परिवार के पास जा रहा है। और देखिए ये राहुल गांधी सामने हैं, ये आप देख सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, आप देखिए हाथ हिलाते हुए यहां से निकले हैं और सीधे अब परिवार के पास जा रहे हैं जहां ये मुलाकात करेंगे। भीड़ यहां खड़ी है, उनका अभिवादन भी किया गया। तो ये फ्लीट सीधे जो है जिसमें राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी, दो राज्य के मुख्यमंत्री, सीधे अब पीड़ित किसानों के यहां रवाना हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। तो आपने देखा अजीत ने वहां से जो रिपोर्ट भेजी, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं यहां से रवाना होते हुए, और ये एक ही गाड़ी में देखिए प्रियंका गांधी जो है उनके साथ चरणजीत सिंह चन्नी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी आगे बैठे हुए हैं, आपने देखा हाथ हिलाते यानी कि अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां से। और 3 तारीख की रात से ही प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी, एक लंबा संघर्ष जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्होंने किया और उन्हें इजाजत मिली और अब वो जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।